ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अच्छी खबर के साथ में, हिमाचल प्रदेश में JIT पोस्ट कोड 949 की जो वैकेंसीज थी उसकी संख्या पहले 200 थी, अब इसमें 100 और वैकेंसी जोड़ दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब कुल पद जो इसमें रहेंगे वो 300 पदों पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, जब आप इस परीक्षा को देंगे। 24 अप्रैल को होने वाली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा। तो देखिए 100 पद बढ़ना एक बहुत बड़ी खबर है। और आपको हम यहाँ पे भी अपडेट कर दें कि आने वाले समय में आपको JIT की एक और भर्ती शीघ्र ही देखने को मिल सकती है। तो आप तन मन धन से नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। एक अच्छा आपके पास यहाँ पे विकल्प है हिमाचल प्रदेश में JIT के लिए 300 पदों पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे हम अपडेट कर दें कि जैसे भी आपने देखा होगा कि परीक्षा के अंतिम दिनों में यदि आप मॉक टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे मिलता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको परीक्षा का स्तर कैसा आने वाला है, कितना पीछे का जो हिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते थे, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से ही क्लियर होती है। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है जो नवीनतम पैटर्न है इस बार, जिसमें 140 आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 50 आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेंगे, कुल 200 प्रश्न होंगे। तो इसके 10 मॉक टेस्ट हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। 2000 का एक क्वेश्चन बैंक है, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होंगे जो कि आपकी सफलता को निर्धारित करेंगे। तो आप इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर से जल्दी से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी डीलर्स के पास है किताब, एक या दो दिनों में आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाली है, तो आप जल्दी से जाकर के अपने लिए इसकी कॉपी रख सकते हो। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे, दूसरी खबर यहाँ पे निकल करके आई है, बहुत बड़ी खबर है, डाइंग कैडर पदों पर मर्ज होंगे आउटसोर्स कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनकी डिमांड थी कि सरकार हमें अपने अंडर ले, और हमारी जो इनके लिए ये भी इनकी डिमांड थी कि अति शीघ्र सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय ले। तो आज एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट की जो सब कमेटी ने 5 दिन में विभागों से ब्यौरा मांगा है, 32,000 कर्मचारियों के लिए अगले महीने आएगी पॉलिसी, बात करने को कर्मचारियों ने बनाई 12 सदस्यीय कमेटी। तो देखिए एक अच्छी खबर है, वार्तालाप के माध्यम से डाइंग कैडर के जो पद है, डाइंग कैडर का मतलब होता है जो काफ़ी लंबे समय से सरकार के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं लेकिन वैकेंट है, वर्तमान समय में उनकी कोई ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे पदों पर इन बेरोजगारों को यदि नौकरी सरकार उपलब्ध करवाती है तो ये भी एक अच्छा निर्णय माना जा सकता है। एक अच्छी खबर है आज, देखिए दोनों खबरें आपके लिए बहुत बेहतरीन थी, और इसके बीच में ही एक और खबर देखिए आज प्रकाशित हुई है जो कि संबंधित है पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा की शिकायत पर 5 लोग गिरफ्तार। देखिए एक शिकायत की गई थी कि कुछ चैटिंग में सामने आया था कि कुछ लोगों ने पैसे मांगने की बात कही गई थी। तो देखिए इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही आई थिंक आगे पुलिस विभाग की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ देखिए अब पुलिस कार्रवाई करेगा। एक और अच्छी खबर यहाँ पे देखने को मिली है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, देखिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मंडी में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, एक समय होता था जब हिमाचल प्रदेश में एकमात्र शिमला में ही सेंटर हुआ करता था और वो अभ्यर्थियों को जब वो सीटें फिलअप हो जाती है तो बाहर के राज्यों में जाना पड़ता था पेपर देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब मंडी में सेंटर है, धर्मशाला में सेंटर है, शिमला में सेंटर है, तो अभ्यर्थी देखिए घर के पास नज़दीक में भी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। और इस तरह की बड़ी परीक्षा देखिए बहुत बड़ी बात होती है, IAS की परीक्षा का सेंटर यदि आपको इस तरह के हमारे इस जिलों में देखने को मिलेंगे तो ये एक अच्छी खबर है। तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए, अपने आप को और भी मोटिवेट कीजिए, तन मन धन से पढ़ते रहिए। देखिए किस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है या विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म्स है, अध्ययन सामग्री की आज की डेट में कमी नहीं है, बस आपको एक जज्बे के साथ में आगे बढ़ना होगा, यही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी बनेगा आने वाले समय में। इलाइसरी टीम के त्रैमासिक करंट अफेयर्स हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित कर दिए गए हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे भी इस पर अंग्रेजी हिंदी में पब्लिश किए गए हैं, तो आप इन किताबों का भी जरूर लाभ उठाइएगा। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में HS की एडवर्टीजमेंट कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा 35 सॉल्वड क्वेश्चन पेपर है। इस किताब का इस्तेमाल आप HS के लिए, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर इत्यादि विभिन्न तरह के एग्जामों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जिन्हें सॉल्व किया गया है, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, बहुत से प्रश्न यहाँ से भी रिपीट होते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य किताबों के लिए विजिट कीजिए ईलाइट स्टडी को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ईलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।